हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गाइड अड्डा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे उस एप्लीकेशन के बारे में जो खास करके यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर को अपने मोबाइल में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद उसमें टाइप करेंगे ई पाठशाला एप्लीकेशन। ई पाठशाला टाइप करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर आपको जो है तीनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आपको जो मीडियम में आपको पढ़ना है यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप इंग्लिश को जो है चूज़ करना चाहें तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। हिंदी और उर्दू कोई आप जो है एक चूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इंग्लिश को जो है चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप इसमें से जो है कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। चलिए हम एजुकेटर को जो है चूज़ कर लेते हैं। एजुकेटर को चूज़ करने के बाद आप इसमें अपना नाम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद इस साइन वाले बटन पर जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आपका ई पाठशाला का ई लाइब्रेरी जो है यहाँ से ओपन हो जाता है। इसके बाद आप जो है ई बुक पर क्लिक करेंगे। ई बुक पर क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ से क्लास जो क्लास की आपको बुक चाहिए उस क्लास को यहाँ से उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से इसके बाद जो है सारी बुक यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। आपको इसके बाद जो है आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज को चूज़ करने के बाद आप जो है जो बुक यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप उस पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम सोशल साइंस पे क्लिक करते हैं। सोशल साइंस पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहें तो ये तीनों बुक को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ को डाउनलोड करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें इसका सारे चैप्टर जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम जो है कोई एक चैप्टर आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। चलिए हम पंचायती राज को जो है डाउनलोड करते हैं। पंचायती राज पे क्लिक करने के बाद आप जो है इस साइन वाले जो डाउनलोड वाले साइन बटन है इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ से बुक डाउनलोड होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आप जो है यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने जो बुक डाउनलोड किया यहाँ पे शो हो रहा है। आप उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप पंचायती राज पे क्लिक करेंगे। पंचायती राज पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका पीडीएफ जो बुक है वो ओपन हो चुका है। आप यहाँ से आसानी से इसको जो है पढ़ सकते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं इसको। अगर आप चाहें तो आप इस मोड में भी पढ़ सकते हैं। आप यहां से सारी क्लास की बुक का पीडीएफ जो है आप यहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है। सारी क्लास की बुक जो है आपको एक ही जगह इकट्ठे जो है मिल जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो जो है हमेशा मिलते रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।